आरक्षण अधिनियमों की धज्जी उड़ाई जाती है, सरकार की नीयत में खोट है। मेरिट के आधार पर क्वालिफिकेशन पूरा करता उसको भी बाहर कर दिया जाता। आपके साथ अन्याय करने वाले लोग सत्ता में नहीं आने पाएंगे, वो आरक्षण का कोटा पूरा नहीं है। जिनके हाथों में पूरा करने की जिम्मेदारी है उनकी नीयत में खोट है। मेरा ये मानना है कि जो आपका उद्देश्य है, आजादी के 75 वर्षों के बाद भी जो बाबा साहब का सपना था समता मूलक समाज की स्थापना का, वो कार्य पूरा नहीं हो सका। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी ये कहा था, किसी देश का संविधान कितना अच्छा क्यों ना हो, अगर लागू करने वालों की नीयत अच्छी नहीं है तो अच्छा से अच्छा संविधान भी विधान भी लोगों के लिए हितकारी नहीं हो सकता। और अगर लागू करने वालों की नीयत अच्छी हो तो पूरा विधान भी लोगों के लिए हितकारी हो सकता। आयोजन समिति के इस लोगों से मेरा अपील है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए, हमारे एक माले ग्रुप के सांसद ने इस बात को कहा था कि सर्वदलीय आयोजन से आपकी जो विचार है वो पूरा होने वाला नहीं है। जब तक नीति में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक उसके विचार में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक जो आपका उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो सकता। हमारे एक सांसद जो राजस्थान से आए थे, उन्होंने कहा कि आप हमें उंगली करते रहे। मेरा ये मानना है कि सांसद के उंगली करने से आपका समस्या का निदान नहीं होगा। आप जनता को जागरूक करने का काम करें कि ऐसी मानसिकता के लोग जीत कर ना आने पावे जो समाज में बराबरी न चाहते हो, जो समाज के सभी वर्गों को लेकर चलने का काम न कर सकते। आज आजादी के 75 वर्षों के बाद भी बाबा साहब का जो संविधान बना, जिसमें अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात को आरक्षण दिया गया, संवैधानिक कानून होने के बाद भी तमाम संस्थाओं में, और मेरा यह मानना है कि सभी संस्थाओं में वो आरक्षण का कोटा पूरा नहीं है। पिछड़े वर्गों का भी जो आरक्षण मिला मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद भी वो पूरा नहीं हो सका, इसलिए कि जिनके हाथों में पूरा करने की जिम्मेदारी है उनकी नीयत में खोट है। तमाम जो इम्तहान होते हैं, आरक्षण अधिनियमों की धज्जी उड़ाई जाती है। 69,000 शिक्षकों के भर्ती में जिस तरह से एससी और ओबीसी का अनदेखी करने का काम किया गया, लगातार संघर्षों के बाद भी वो पूरा नहीं हो सका, इसलिए कि सरकार की नीयत में खोट है। और ये खोट बनी रहेगी इसलिए कि उनकी वही मानसिकता, जातिगत जनगणना समाज को कैसे तोड़ेगा ये बात मेरे समझ में नहीं आती। केवल कुछ लोगों को, जैसे उत्तर प्रदेश में 34 विश्वविद्यालय या उसके स्तर के संस्थाएं हैं, उसमें से 32 वाइस चांसलर कुछ चुने हुए समाज के लोग हैं, उससे समाज जुड़ पाएगा क्या? लोगों के साथ अन्याय होगा और उसको हम सहते रहें, हम आवाज न उठावें, ऐसी विचारधारा को हमें बदलना पड़ेगा, हमें उनको हिस्सा देने की आवश्यकता। इसलिए मेरा ये निवेदन है इस संस्था के लोगों से कि आप जनता को जागरूक करके
आपकी विचाराधारा के आधार पर जब सरकार बनेगी तभी आपका मकसद पूरा होगा, उसमें आपको आवाज नहीं उठाना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना। हमें आप सम्मानित करें, हमसे अपेक्षा करें कि हम दलीय निष्ठा से ऊपर उठ जाएंगे, ये संभव नहीं है और वो आपको दिखाई भी पड़ रहा है। इसलिए आवश्यकता है उसको तोड़ने की बात करते हैं। आज भी तमाम संस्थाओं में, अभी SGPDI में इंटरव्यू हुआ, पिछड़े वर्गों के लिए 48 पद विज्ञापित किए गए, 48 में केवल 10 भरे गए, बाकी में लिख दिया नॉट पास्ट पेपर, यानी उनके साथ जो मेरिट के आधार पर क्वालिफिकेशन पूरा करता उसको भी बाहर कर दिया जाता। तो इसलिए आज जरूरत इस बात की है और मैं आपकी संस्था से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग समाज को जागरूक करें कि जो समाज जागरूक होकर वोट आपका है दादा, और जब समाज को आप जागरूक कर लेंगे तो आपके साथ अन्याय करने वाले लोग सत्ता में नहीं आने पाएंगे, तभी आपका मकसद पूरा होगा, ऐसा मेरा मानना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।